फ्रेंड्स, परमबीर सिंह भंडारी द्वारा जो एप्लीकेशन मूव की गई थी बॉम्बे हाई कोर्ट में रिगार्डिंग द एलिगेशंस अगेंस्ट अनिल देशमुख, अब उस पर सुनवाई हो रही है। हालांकि थोड़ी देर के लिए मुलतवी की गई है लंच तक के लिए, तो लंच के बाद इस पर पूरी खबर निकल कर आएगी। लेकिन संक्षिप्त में मैं आपको बता दूं कि क्या है पूरा मामला और अभी तक क्या रहा हियरिंग में। तो मामला है, सुप्रीम कोर्ट में परमबीर सिंह भंडारी ने अपने एप्लीकेशन को मूव किया था पहले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रास्ता दिखाया और जिस पर आज हियरिंग हुई। लेकिन शुरू होते ही हियरिंग परमबीर सिंह भंडारी को चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट से फटकार मिली। वजह है चीफ जस्टिस का पूछना कि क्या बिना FIR के इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। आप ऑलरेडी इतने बड़े पद पर बैठे हैं, आपको पता है कि रूल्स ऑफ लॉ क्या कहता है, जिसके चलते अभी कार्रवाई थोड़ी देर के लिए स्थगित की गई है। लंच तक के लिए मुलतवी है और लंच के बाद इस पर दोबारा हियरिंग होगी। लेकिन चीफ जस्टिस ने सही सवाल पूछते हुए और कड़क सवाल पूछते हुए परमबीर सिंह भंडारी को फटकारा है और पूछा है कि क्या इन्वेस्टिगेशन सिर्फ लेटर के लिखने से हो सकती है, ये आप खुद तय कीजिए। क्योंकि लॉ ये कहता है कि इन्वेस्टिगेशन अगर होना है तो FIR ज़रूरी है, FIR के चलते ही इन्वेस्टिगेशन को आगे मूव ऑन किया जा सकता है। परमबीर सिंह भंडारी ने अपने एप्लीकेशन में CBI से इन्वेस्टिगेशन की मांग की थी। वजह है परमबीर सिंह भंडारी को DG होम के पद पर भेजा गया पुलिस कमिश्नर के पोस्ट से। वहीं ट्रांसफ़र ऑफ पोस्टिंग के मामले में जो धांधलेबाजी हो रही है उसके बारे में, और तीसरा जो एक्सटॉर्शन का मामला सामने आया जिसके चलते 100 करोड़ की हफ्ते में मांग की गई थी होम मिनिस्टर द्वारा, जिसके चलते परमबीर सिंह भंडारी ने CBI इन्वेस्टिगेशन की मांग की। तो फिलहाल बॉम्बे हाईकोर्ट में कुछ समय के लिए इस मामले पर हियरिंग नहीं हो रही है। वजह है लंच, और लंच के बाद अब इस पर बाकी कार्रवाई होगी। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने परमबीर सिंह भंडारी को फटकारा है और कहा है कि बिना FIR के CBI कैसे इन्वेस्टिगेशन करती है। भले ही आप चाहते हो कि स्टेट मशीनरी इस पर काम ना करे, लेकिन फिर भी FIR मस्ट है। तो आने वाले टाइम में देखना होगा कि क्या परमबीर सिंह भंडारी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और क्या निकल कर आएगा आफ्टर दिस हियरिंग। तो फिलहाल थोड़े देर के लिए इस केस पर एक विराम, और कुछ देर बाद फिर मैं आप लोगों के साथ सारी डिटेल्स साझा करूँगा। धन्यवाद।